But you don't want to fight. I never abused you. You don't want to fight. Whoa. तो क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? ये चप्पल देखकर, ये जुगाड़ देखकर देसी ना समझियो। पोर्टो रिको जान लग रहा जो अमेरिका का फेमस बॉक्सर और यूट्यूबर है जेक पोल, उसने पिटन खातर। और इस टाइम हूँ टर्मिनल 3 पे और टर्मिनेटर बनकर पोर्टो रिको जाऊंगा। यार ये टिकट भाई देख लो। ओ मेरी नहीं है, संगम की रुक जाओ। ये रहा मेरा बोर्डिंग पास। नहीं बांगेंगे पाऊंगे अपने बोर्डिंग पास पड़े हुए। और भाई चेक कर लें, पासपोर्ट सारे हैं इसमें, बोर्डिंग पास सारे हैं। ये हम पहला जाऊंगे कड़े जर्मनी फ्रैंकफर्ट। इस भाई की बना वीडियो यार, क्या नाम है तेरा? हैं सुब्रीम। सुब्रीम कहाँ से है? यूपी से। यूपी से कहाँ से? यूपी गोरखपुर। गोरखपुर से होगा अल्लाह फिर। अरे कहाँ हो गया लो ना, चलो चलते हैं। अरे नहीं सर, अमेरिका जा रहे हैं, नहीं चलोगे क्या? काहे? अरे हंस बोलो ना, ये बात करो इनसे, संगम जी हैं। काहे नहीं बात कर रहे हो? हम हरियाणा से। नहीं लगते क्या? इतने अच्छे हिंदी बोल रहे हो काहे? क्यों? यूपी वाले भी तो बोलते हैं, हरियाणा वालों को तो आती ही नहीं बोलनी। अंग्रेजी भी बोलते हैं हम, बात करेंगे इससे अंग्रेजी में। ये कहाँ से है? यूपी से है। ये भी दोस्त है अपना, ले जाएं, रख लो। नो नो सर। अरे नो नो, अभी अंग्रेजी तो आती है तुमको, नो नो बोल रहे हो। चलो जाते हैं, ओके धन्यवाद। ए यही है, यही है, यही है। हाँ घबरा कहाँ? इधर इधर। हाँ घबरा कहाँ है? ये बताइए कहाँ से हो? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। हैं गोरखपुर? सभी गोरखपुर के हैं यहाँ पे? मुझे नहीं मालूम, पर मैं गोरखपुर का हूँ। वो भी गोरखपुर का था होगा। ये तो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, स्मार्ट आदमी हो, मिलकर मजा आ गया। इस तो 19 गेट तो बहुत पास है दोस्तों। 19 नंबर गेट पर जाना है। मैं सोच रहा था बहुत दूर है, इस रेडी गाड़ी था पूछते हो जाने का नहीं है। कभी देख पूछ कर देख लो, ये कभी किसी गरीब की हेल्प ही नहीं करते यार। भाई हमने ले जाएगा 19 नंबर पर। देख यार मैं भी तो सीनियर हूँ भाई, बॉक्सिंग खेलते हुए 18 साल हो गए मैंने यार, बहुत बॉक्सर का सीनियर हूँ मैं। सर कभी सीनियर सीजन नहीं होते मेरे भाई। अरे भाई हमेशा यंग रहते हैं भाई। 18 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए यार। सीनियर मैंने सब सीनियर कहा, भाई साहब कहा मैंने सारे सारे। अब तू रेडी पे नहीं बिठाना यार। मैं तो भाई साहब ही कह रहा हूँ। देखिए यार ये भी भाई साहब का, अगर भाई साहब का तो उन्हें भी नहीं बिठाया था मैं रेडी पे, उससे भी कहूँ था भाई साहब। बग्गी हाँ बग्गी तो पहला हो गए जी। कौन है इस बग्गी? What matter this is only for senior citizen and handicap. You are senior citizen. Just because I no boy. Okay no problem sir. Na na na. Dekh अंग्रेज ने ले गया भाई। कॉल है भाई साहब, फाइनल कॉल। Check the back so now we are very late. ले भाई देखा, देख लो दोस्तों हैं अपने इंडिया वाले, अपने इंडिया वाले। देख अंग्रेजा ने देखा, देख मैं बिठा लिए और मैं बिठाया नहीं। बताओ यार, बताओ क्या काम करें इन्हें यार। अरे मेरे वाला गेट ज़्यादा दूर नहीं था, जा सके था वो, पर गया नहीं भाई। चलो कोई बात नहीं। भैया जब आप 19 साल के थे तो क्या कर रहे थे? जब मैं 19 साल का था तो जिस टाइम मैं 19 साल का था उस टाइम आर्मी ज्वाइन कर ली थी मैंने। और शायद मैं वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स खेलने के लिए इसी एयरपोर्ट पर था, और हम ब्राज़ील जा रहे थे वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स के लिए। सबसे पहले इस एयरपोर्ट पर आया था मैं 2008 में आया था। 2010 में बनाया हुआ जो भी एयरपोर्ट है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी अपने देश में, तो उस टाइम पर ये चालन चुलन वाला कुछ भी नहीं था। ये अपने आप चलन वाली सीढ़ी ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पर। हम पोर्टो रिको जा रहे हैं, लेकिन पहले फ्रैंकफर्ट जाऊंगे। फ्रैंकफर्ट ही था, फ्रैंकफर्ट था, फिर न्यू जर्सी जाएंगे। पोर्टो रिको कोई रिश्तेदार रहता है क्या? पोर्टो रिको की ना जेक पोल का भूखा हूँ मैं, देख लो क्या रिश्तेदारी है। ये देखो कितना राजी हुआ, जेक पोल का भूखा सुन दे बहुत राजी हुआ। ये भी उनका रिश्तेदार था। आज हो गेट पर अपना काम शुरू हो रहा है। चलो भाई बाथरूम में थोड़ा सा करके आ जाते हैं। दोस्तों मैं फ्रैंकफर्ट जाना गया और फ्रैंकफर्ट में फ्लाइट में चढ़ते सो गया था, बहुत ज़्यादा टायर्ड था, नींद आ गई थी। और इब 2-2.5 घंटे में फ्रैंकफर्ट पहुँच जाऊँगा। और फिर फ्रैंकफर्ट पहुँचने के बाद तुमने फ्रैंकफर्ट दिखाऊँगा कैसा है जर्मनी का फ्रैंकफर्ट। वर्ल्ड के जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं उनमें से एक एयरपोर्ट है जो अपना बस अड्डे नहीं हुआ, बड़ा बड़ा बस अड्डा जो ISBT है, दिल्ली वाला ISBT। सारी स्टेटा की बस आम हो रहा है पूरा, तो सारी दुनिया के जहाज आम और सारी जगह कनेक्शन है। यूरोप के, साउथ अमेरिका के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के तो नहीं होंगे शायद, बाकी सारी जगह के आम बैठे हैं। देखो ऊपर आसमान कैसा दिखा है। एवं फ्रैंकफर्ट उतर गए हैं। फ्रैंकफर्ट उतर के शायद बी नंबर गेट पे अरीब, उसके बाद जेड गेट पर बताया जो हमारी अगली फ्लाइट है, और जेड गेट पर लाउंज भी है। थोड़ा हम रेस्ट कर लेंगे क्योंकि 4-5 घंटे का स्टे है उधर। और देखो बाहर का नज़ारा, सुबह के शायद 8 बज रहे होंगे इस टाइम। और तुमने देखो बाहर का दिखाऊंगा मैं, बाहर देखियो कितना मस्त व्यू है, कितना मस्त व्यू है देखो। तो सुबह के 8 बजे हैं, लोगों की कहीं की नींद नहीं खुली और मैं भी 3-4 घंटे सो पाया था फ्लाइट में। उसके बाद एक फिल्म देखी, नो टाइम पास। आँखें नहीं खुल रही आपकी? आँख तो खुल रही है मतलब। आप किसकी आँख खोलने जा रहे हो? जब आँख खोलने जाऊंगे हम जेक पॉल की, उसकी आँख नहीं खुल रही, दिख ही नहीं रहा। मैंने ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट यू निराज ब्रो, ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट यू। जब हम रेल में नीचे उतर के मैं और संगम जाने ले जीप है ना जेड पे रोड जाकर टोएंगे। लोगों का बाजू हो रही और मोर टाइम 5 घंटे 4 घंटे। तो हम बिल्कुल चिल हैं, जमा राम चलाना है। लोग तेज तेज चल रहे देखिए, अरे सरदार जी भी हो रहे थे अपने। तो भाई पूरा पंजाब के लोग घने हैं, इस एयरपोर्ट में घने लोग काम करें। जेड से कितने शब्द बता सकते हो आप? जेड फॉर जैबरा हुआ है, जेड फॉर जू जू या जू जू एक बात है, जेड फॉर जबाड़ा। अच्छा, जेड फॉर जबाड़ा सबसे जरूरी है क्योंकि मैं उसने तोड़ा करूँ आदि ने बॉक्सिंग में जबाड़ा है तोड़ा। और क्या कर रहा हूँ इसका? इब तो जैक पॉल का तोड़ेंगे और कहीं के तोड़ेंगे, दे उसको नु करूँगा उसका काम। ये लोग नु देखना है ये हो गया, पर आजकल सब ना पता लग गया मैं व्लॉगर बन गया हूँ, वीडियो कंटेंट शूट करने लग गया हूँ मैं। चल भाई अपना देख ले, जेड कड़ा जी देख कितना अच्छा आदमी था, कितने प्यार से बात करी सुना रे अपने आले नंगड़। चल की है पाजी, ठीक है बढ़िया। हां ये अपने पाजी है, पाजी कहां से हो? हेलो तो कर लो पाजी। हां रंगपुर से हो, तो यहां से कनेक्टिंग फ्लाइट आप? या कनेक्टिंग फ्लाइट, ओके। और दिखा तना आदमी तो दिखाया नहीं था, एक मैं गलत बोल दूंगा, अंग्रेज था। हाँ। उस तो मैंने बी जी अरे मेरा नहीं समझ मानता बी आर जी। तू राम तब बता दे कौन से जाना, कॉरिडोर लेफ्ट राइट। भाई हम लॉन्च डोर रहे हैं, एक लॉन्च में गए थे तो मेरे ऊपर नू चढ़ गया जो मैंने कुछ बेरा ही नहीं है। बी कवे था वो मैंने जी सुना था, वो जी कवे था, जी ने भी जेड ने जी का मैं भाई नहीं समझ मानता कहीं बारी। ये देखो फाइनली कुछ मिलेगा तो हमने पूरी बताया उन्हें, लेफ्ट कॉरिडोर लेफ्ट साइड जाकर बताया, देखें कुछ मिलेगा तो। चलो आपको पता है मैं कहाँ हूँ? पोर्टो रिको। होला अमीगो, कैसे हो? ठीक हो? पोर्टो रिको आ गए और पोर्टो रिको में मुझे एक पोल ने टोंदे। अरे यो ही पोर्टो रिको जोड़ा दिखाना है रहा, यो जोड़ सा जितना तुमने दिख रहा तो सारा छान मारा मैंने, कड़ा और कड़ा नहीं। ये थोड़ी बार पहले मेरे तक कहीं ना बताया कि उसने अपना मेरा तो राजोड़ साहब मेरे इंस्टाग्राम पर उसने अपना मैसेज भेजा है, मेरा फोन दूसरे कमरे में चार्ज लग रहा है क्योंकि नीचे है मेरा कमरा और ये ऊपर है टॉप पे। तो मोरा देखो मैं कभी हटदा मिल जा रहा है, छोटा सा टापू है पोर्टो रिको। माहूरा पैजा लॉन्ग टाइम खेल रहे हो कभी पीछे लोग गिरने लग रहे, माहूरा पैजा तो पाया को नहीं। मैं नीचे जाऊंगा 5 मिनट पाछे, उसका एड्रेस देखूंगा, मैं रेडी हूँ, मैं पूरा तैयार हूँ और जाकर उसने ठोकूंगा। बताने लग रहा बात यार, आ रहा है भाई उसका डीएम आ रहा है। अरे मैंने देख लिया उसका एड्रेस आ रहा है। संगम फटाफट अपना टैक्सी कर दे, हमने टैक्सी बुला लेंगे और टैक्सी जितनी बार में आओगे जितना टाइम उसका 15-20 मिनट दिखाने लग रहा ना, 25 मिनट दिखाने लग रहा उसका। तो 25 मिनट में हम उसके जो जिम है उसने जिम का एड्रेस भेजा है, जिम में पहुँचेंगे। उसका एक एड्रेस आया है मेरे द्वारा, मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में उसका एक मैसेज आया है और उसमें उसका एक एड्रेस है। टैक्सी बुला ली हमने, टैक्सी की वेट कर रहे हैं होटल के बाहर, अरीब टैक्सी आ जाएगी। और एकदम उसका रास्ता देखा था कोई 20-25 मिनट दूर है उसका, एंड में है इस छोटे टापू के मतलब सैन जुआन के एंड में है। थोड़ा जाऊंगा मैं और उसने थोड़ा दबोचूंगा जान दी भाई। गाड़ी आ गई है अब इस गाड़ी में जान लागे उसने टोन खतर एड्रेस अपने पे रहा उसका, उस एड्रेस पर जावेंगे, उसके पते पर जावेंगे, उसके पते पर जाकर जुकरे वो मिलेगा उन्हें, अपने आप देख लूँगा फिर मैं उसके बाद जान लागे बस। पहुंचने वाले हैं भाई उसके जिम में जो एड्रेस है अपने दूर। ओए जेक पॉल, आई एम द मैन ऑफ माय वर्ल्ड, कम टू डैडी, आई एम हियर, आई एम इन योर कंट्री, आई एम इन योर टाउन, आई एम हियर इन योर जिम मैन। You came to see me, you don't want to fight though. Hey, abuse, you don't want to fight bro, you abusing your, you don't want to fight buddy. What you using translate application right, and you abusing in Indian language, now abuse. Ab de gaadi, listen brother, you can't handle a little shit talk. Your feelings are hurt. I don't understand. Your feelings are hurt. Did I hurt your feelings? No, you hurt. Did I hurt your feelings? Yeah, check. It feels a little. Hey, no, it's not little. It's a jigra. Listen, brother, fuck you three times, brother. Punchhad Paad Le mera. Punchhad Paad Le. Punchhad Paad Le. Yeah. Yeah. Punchhad Paad Le. Listen to me, brother. I respect you. I respect you. Don't, please. I respect you. I respect you for showing up, man to man. I'm also but you don't want to fight. I never. But you don't want to fight. I never. You don't want to fight. I never. You don't want to fight. I never.